स्पीकिंग में जब आपकी प्रेजेंटेशन आती है तो उस प्रेजेंटेशन को आपने कैसे करना है? वेलकम वीडियो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑक्सफोर्ड ई एल एल टी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें वो स्पीकिंग में जब आपकी प्रेजेंटेशन आती है तो उस प्रेजेंटेशन को आपने कैसे केटर करना है इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू द प्रोसेस कि क्वेश्चन कैसा आता है और उसके अंदर हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं हमने किन चीज़ों को कैटर करना है और हम रिन थ्राम कैसे कर सकते हैं सो लेट्स डाइव इन टू वेट अच्छा फॉर दोज ऑफ यू जो कि इनका बड़ा नया एक्सपोजर है टू वर्ड्स ऑक्सफर्ड टेस्ट तो इसकी जो स्पीकिंग है उसके अंदर डिफरेंट सेक्शन होते हैं और उनमें से एक सेक्शन ये होता है कि आपको एक टॉपिक प्रेजेंट किया जाता है आपके टेस्ट से पंद्रह मिनट पहले आपने उसकी प्रिपरेशन करनी होती है और फिर जब टेस्ट स्टार्ट होता है तो वो आपको कहते हैं कि उस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट करें आपने एटलीस्ट तीन मिनट और मैक्सिमम आप पाँच uh, साढ़े चार पाँच मिनट तक बात कर सकते हो उसके ऊपर पर तीन मिनट से कम नहीं होना चाहिए uh, मतलब एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है वैसे टाइम इज़ नॉट अ मेजर फैक्टर बट न लेस इट इट डज फैक्टर्स इन इन मल्टीपल थिंग्स विच आर इनकाउंटर्ड देयर अब जो uh, एक जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये है कि वो जो चीज़ हमें उस वक्त मिल रही है हम उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली uh, आपको वो थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं रिसर्च के लिए पर हमने उस थोड़े से टाइम को जो कि हमारे पास पंद्रह मिनट हैं हमने उसको मैक्सिमाइज करना है हमने इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ करना है तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊंगा कि कोई भी टॉपिक आता है तो उसके ऊपर सोचते कैसे हैं और किस डोमेन में किस तरीके से आपने जो है उसकी रिसर्च स्टार्ट करनी होती है तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसके इसके स्टडी में हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन ये कहता है कि सम पीपल विल थिंक स्पेस रिसर्च इज अ वेस्ट ऑफ मनी एंड द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड शुड स्पेंड दैट मनी इंप्रूविंग पीपल्स लिविंग कंडीशंस डू यू थिंक दैट स्पेस ट्रैवल इज बेनिफिशियल टू द वर्ल्ड और अ वेस्ट ऑफ टाइम डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन तो अब मेजर चीज यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है ना वो ये है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके कितने एलिमेंट्स हैं तो उसने पूछा है कि बोथ साइड्स एक एलिमेंट ये है और उसने कहा है कि योर ओपिनियन दूसरा एलिमेंट ये है जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो हमेशा स्टेटमेंट होती है और जो ये एरिया होता है जिसमें उसने कहा होता है कि डिस्कस बोथ या जिसमें वो कहता है कि डू यू और ये पोर्शन एक्चुअली सवाल होता है और उसी को हमने कैटर करना होता है तो इस सवाल के दो हिस्से हैं कि डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन वन एंड टू एंड यू नीड टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स अगर दोनों में से एक फिल हो रहा है एक नहीं हो रहा तो आप एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं उसमें ले सकेंगे अच्छा अब जब आपको स्टेटमेंट इस तरह की आ गई पहले तो बिल्कुल भी परेशान इस सेंस में नहीं होना कि टॉपिक कैसा आ गया तो मुझे नहीं पता उसके बारे में हमेशा टॉपिक्स ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन उसके ऊपर आराम से बात कर सकता है अगर वो थोड़ी बहुत रिसर्च कर ले अब उस रिसर्च को किस डायरेक्शन में लेके चलना है हम उस तरफ आते हैं तो पहला स्टेप हमेशा ये देखो कि उस क्वेश्चंस के कितने उस क्वेश्चन के पार्ट कितने हैं मैंने उन पर क्या क्या बात करनी है अब चूंकि इस पर हमने दोनों साइड की बात करनी है अब कौन सी दो साइड है एक साइड तो ये है जो कहती है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम दूसरी साइड ये कहती है कि ये बेनिफिशियल है सही है हमने क्या किया एक हम कह रहे हैं कि इट्स बेनिफिशियल और दूसरी साइड कहती है कि आर टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड टोटल वेस्ट ऑफ मनी एज वेल हम इन दो आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान कहीं घूम रहे हैं और हमने ये देखना है कि इनमें से उसके क्या फायदे हैं इसके क्या इसके बारे में जो लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं और उसके बाद आपने एक अपना ओपिनियन खुद प्रेजेंट करना है अब पहली चीज जो कर सकते हो वो एज इट इज क्वेश्चन कि जो भी स्टेटमेंट है उसको पहले गूगल पे लिखो और देखो कि उससे रिलेटेड आर्टिकल्स क्या आ रहे होते हैं उसके अलावा जब भी आपको क्वेश्चन प्रेजेंटेशन का आता है ऑक्सफोर्ड के अंदर उसके ऊपर एक लाइन छोटी सी मेंशन करके उन्होंने सोर्स मेंशन किया होता है कि ये गार्डियन से लिया गया है ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से लिया गया है या किसी और आर्टिकल uh, से लिया गया है उसका सोर्स मेंशन होता है अगर आप एज एट इज वो सोर्स कॉपी करके इसका टॉपिक सर्च करोगे तो आपको उसी सोर्स का वो टॉपिक मिल जाएगा जिधर से उन्होंने ये क्वेश्चन डिराइव किया है पहली चीज तो सबसे एक किया करो उसको एज इट इज पकड़ो कॉपी करो गूगल पे डालो जिस रिसोर्स का आर्टिकल है वो उस आर्टिकल को क्विकली गो थ्रू करो और देखो कि उसमें उन्होंने क्या ऑर्ग्यूमेंट किए हुए हैं आपको मेजर पॉइंट उसी आर्टिकल में से मिल जाएंगे ठीक है तो जो, जो पहली चीज है वो क्या करना है आपने कि रीड सोर्स आर्टिकल ठीक है सोर्स आर्टिकल से मतलब ये इसके लाइन के ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी होगी और उन्होंने ब्रैकेट में लिखा होगा सोर्स क्या है इसका गार्डियन लेट से तो वो एक आर्टिकल है एक, एक जो भी है आपको गूगल पे मिलेगा उधर जाके आपने पढ़ लिया तो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू दैट यू नीड टू रीड द सोर्स आर्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल यूल हैव मेनी पॉइंट्स आउट ऑफ इट उसके बाद अगर आपको लगता है कि अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई या मुझे रिलेटेड टर्म्स की अब थोड़ी सी हेल्प चाहिए फॉर इंस्टेंस आपने फास्ट फैशन के बारे में पढ़ा और आपको वहां से थोड़ी बहुत समझ आ गई लेकिन आपको उसके रिलेटेड टर्म्स समझ नहीं आ रही हैं तो जो रिलेटेड टर्म्स प्रॉब्लमेटिक है अब उनको सर्च करके उनके बारे में थोड़ा बहुत कॉन्टेंट पढ़ लो सो दैट इज़ हाउ यू नो वट इज़ गोइंग ऑन और आपको थोड़ा सा टॉपिक का बैकग्राउंड मिल गया टॉपिक का कांटेक्स मिल गया तो इसने हमें टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट दे दिया अब हम आएंगे इसके बाद वाले स्टेप पे जो कि हम बाद वाला स्टेप यानी नंबर स्टेप जब हमें सोर्स से मेजर जस्ट मिल गया अब हमने उसके सपोर्टिंग ऑर्ग्यूमेंट ढूंढने हैं उसके लिए आपने रेलेवेंट सर्चेस uh, को गो थ्रू कर लिया और उनको बहुत इनडेप्थ गो थ्रू ना करो सिर्फ ये करो कि उनके uh, मैटा टाइटल्स और जो मैटा डिसक्रिप्शन है उनको गो थ्रू कर लो यह भी आपको स्क्रीन पर नजर आएगा कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है इन चीजों को सिर्फ अगर आप गो थ्रू कर ले तो पहले पेज के ऊपर गूगल के वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि इनमें मेजर 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 क्या एलिमेंट्स की बात की हुई है इस तरह से इफ़ेक्टिवली आपने विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ द स्टार्टिंग आई मीन जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हुआ है कोई शुरू के पाँच से छः मिनट में आपने मेजर जस्ट भी ले लिया और रेलिवेंट जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उनका मैटर डिस्क्रिप्शन और टाइटल देकर आपने अंदाजा लगा लिया कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या राइट अब जो हमने उधर से डाटा गैदर किया है हमने कोशिश करनी है कि हम एटलीस्ट चार पॉइंट्स तो निकाले ना दो चूँकि इसके दो हिस्से हैं फर्स्ट पार्ट था बहुत मतलब डिस्कस बहुत साइड है हमने बेनिफिट्स की बात भी करनी है हमने वेस्ट की बात भी करनी है तो एटलीस्ट हम दोनों के दो दो पॉइंट्स तो बनाए ना अब जो भी पढ़ा है उसमें से जो है से हम उसको शॉर्ट लिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अब आ, हम कहते हैं कि जनाब बेनिफिट्स के बारे में हमें एटलीस्ट दो पॉइंट्स निकाल लें पूरी ये करने के बाद रिसर्च करने के बाद एक पॉइंट थोड़ा सा जो मुझे स्टक किया वो ये किया कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव थिंग है तो सॉरी दैट वुड बी इन द वेस्ट पहले अगर हम बेनिफिट्स की बात करें बेनिफिट्स में क्या आ सकता है कि जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो इट डराइव इनोवेशन वहां पर आर एन डी होती है वहां पर हम नई किस्म की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस uh, करवाते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं तो जो इनोवेशन है वो ड्राइव करता है हमारा ये एक मेजर डिपार्टमेंट है जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी देखी जाती है अब उसके अंदर फर्दर एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो तुम तो सैटेलाइट्स की जीपीएस की और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की जो कि मरहून मेहनत है हमारे आ, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की सारी टेक्नोलॉजी तो आप उसकी बात कर सकते हो अब जितनी एग्जाम्पल ऐड करोगे उतना अच्छा फैक्टर पड़ेगा तो कोशिश करो कि एक पॉइंट अगर हमने इनोवेशन का निकाला तो इनोवेशन की एटलीस्ट एक दो एग्जाम्पल भी दे दो उसके साथ दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ सकता है कि जो हमारे Uh, हम हम जिस यूनिवर्स का पार्ट है हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो ये नॉलेज को एक्सपैंड करता है ठीक है इट एक्सपैंड ओवर नॉलेज अब हमारा जो अर्थ है हमारी यूनिवर्स का पार्ट है एक और हम उसमें कैसे फंक्शन कर रहे हैं और कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जहां पर ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर सकती है यहाँ पे प्रॉब्लम ऑलरेडी कर रही है ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंसान की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करता है उसकी आप कह लें कि नॉलेज को इन्हेंस करता है तो दीज आर द टू बेनिफिट्स और इसके ऊपर आप बता भी सकते हो रिसेंटली एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो कि मार्स के बारे में मैं क्या पता चल रहा है विद ऑल ऑल ऑफ दी स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड तो आप स्पेस एक्स की बात कर सकते हो तो इस तरह की मेजर चीजें जो कि करंटली हो रही हैं उनका यूटिलाइज कर सकते हो अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट के ऊपर जैसे मैंने पहले शुरू में मेंशन कर दिया था कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव आप कोई भी स्टडी कोट कर सकते हो अब देखो मैंने यहां पे कहा था रिलेटेड टर्म्स को सर्च करना है जब तुमने डिसाइड कर लिया कि एक्सपेंसिव की बात करनी है तो फटाफट कोई आ, एक एक फिगर देख लो कि हाउ मच इज बीइंग स्पेंट ऑन एवरेज ऑन द स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय एनी कंट्री चाइना का देख लो इंडिया का देख लो यूएस का देख लो कौन को, सा कोई को, किसी भी मेजर कंट्री का जो है वो आप देख लो कि वो कितना स्पेंड कर रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर और अपनी सारी उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ईयरली एक ह्यूमंगस अमाउंट आएगी आप उस ह्यूज अमाउंट को वहां पे मेंशन कर सकते हो कि उनके जीडीपी का इतना परसेंट जो है वो इसके ऊपर जा रहा है ठीक है तो ऐसे स्मार्टली हम एग्जांपल के जो कनेक्ट uh, है ना कनेक्शन uh, है वो बनाते हैं दूसरा एक जो कह लो कि उसका वेस्ट हो सकता है uh, वो ये ऑब्वियसली हम जो है उसको इतना सारा पैसा एक 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 जगह चैनल कर रहे हैं अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में तो मे बी उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको हम केटर कर सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज वी हैव मेजर प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ लाइक पॉवर्टी एंड ऑल दैट तो हमें मेजर प्रॉब्लम्स को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और ये जो एक है डिपार्टमेंट है या फिर ये एक जो एरिया है ये उसको निग्लेक्ट करने का बाइस बनता है सो दैट इज वाई इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू स्पेंड अ लॉट अमाउंट अलॉट ऑफ मनी ऑन द स्पेस एक्सप्लोरेशन और मे बी स्पेस एंड ऑल ठीक हो गया दो पॉइंट्स उसके दो पॉइंट्स उसके और जब हम पॉइंट्स हमने डिसाइड किए तभी हमारे दिमाग में आ रहा है कि अच्छा ये ये जो एग्जांपल्स हैं हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और साथ ही हमने उन एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया और इस तरह से आपके पास आपके पॉइंटर्स आ गए अब जब मैंने ये दो लिखे हैं इधर इस तरह से लिख दिया इसी इसी के आगे जो इनोवेशन है इसके आगे इसकी एग्जाम्पल्स इजी ऐड कर दो इसके आगे हमने कहा था कि हमने इसकी एग्जाम्पल ऐड करनी है एक्सपेंसिव के आगे हमने सर्वे ऐड करना है और उस सर्वे पे लिख दो फिर ये आपके ब्रीफ नोट्स बन जाएंगे सही है अब देखो जब टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तब आपने कोशिश करनी है कि नेचुरली आप डिफिकल्ट टॉपिक्स के बारे में बात कर सको खुद से अपने जो भी रैंडम आइडियाज हैं लेट से वो नहीं भी आता तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर मैं मैं खुद को लिमिटेड टाइम देकर कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करूँ उसके बारे में फटाफट रिसर्च करके मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ उसके ऊपर एक डिस्कशन करूँ ताकि इसकी प्रैक्टिस हो सके काम ये है कि हमने अपनी सेंसेस यूज करनी है पर हमारे पास लिमिटेड टाइम है इनफैक्ट काफी काफ़ी कम टाइम है हमने उसी में सारा कुछ कंबाइन करना है तो जब आपने ऐसे कर लिया आपके पास एक ब्रीफ किस्म के नोट्स बन गए हैं सही है अब आपको एक तो वो माइंड मैप भी बन गया कि मैंने किस तरफ जाना है और दूसरा आपके पास पॉइंट्स भी आ गए। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है एग्जीक्यूट करते हुए स्ट्रक्चर जो है उसका खास ख्याल रखना है अब स्ट्रक्चर में क्या करना है कि एक साइड को पहले लेकर चलो लेकिन उससे पहले एक एमिकेबल सा एक दरमियान सा कह लो कि एक डिप्लोमेटिक सा इंट्रोडक्शन तैयार करो इंट्रो uh, That should be diplomatic. मतलब के आपने uh, इस तरह का इंट्रोडक्शन तैयार करना है कि आपको कि इस चीज के भी फायदे हैं और इस चीज के कुछ नुकसान भी हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि सम पीपल थिंक दैट द स्पेस एक्सप्लोरेशन और देश स्पेस ट्रैवल इज अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी हाउ एवर अदर्स थिंक दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमैनिटी एंड इट हेल्प अस टू एक्सप्लोर अदर यू कैन से एरियाज कैन लिव अदर चुनिटीज बहुत सारी चीजें इसमें कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो खैर आपने वो इस्तेमाल कर लिया आपने इस तरह से एक दरमियाना सा उसका इंट्रोडक्शन तैयार किया और वो सबसे पहले डिलीवर किया फिर क्लैरिफाई करो कि वट विल यू डू इसके अंदर हम अक्सर नॉर्मली ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग के अंदर हम अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज ही बड़े फॉर्मल तरीके से करते हैं कि नाउ आई विल बिगिन माई प्रेजेंटेशन स्टूडेंट क्या करते हैं उनको कहा जाता है कि आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाना है टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाने के चक्कर में क्या करते हैं पूरी टॉपिक की लाइन बोलनी शुरू कर देते हैं ये टॉपिक इंट्रोडक्शन नहीं है टॉपिक इंट्रोडक्शन ये है कि आप बताओ कि ऑल दो सम पीपल डू दिस सम दैट और सम डू दैट और हमने क्या करना है कि हमने मैंने क्या बताना है उसके अंदर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं तो मैं दोनों साइड की डिस्कशन करूंगा और फिर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक है इंट्रोडक्शन तो टॉपिक का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पकड़ो पूरा क्वेश्चन बोल दो सिर्फ आगे ये लगा के कि ना आई विल बिगिन माई प्रेजेंटेशन दैट इज रॉन्ग वो बेयर मिनिमम है आपका इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं जाएगा उसके अंदर दूसरी चीज जब आपने इंट्रोडक्शन तैयार कर दिया उसके बाद बी वेरी क्लियर एंड कॉम्प्रीहेंसिव बी वेरी क्लियर एंड कॉम्प्रीहेंसिव इन वट एवर यू आर सेट डू आई मीन बाई दैट पहली चीज क्लियर का मतलब यह है कि अब फॉर इंस्टेंस आपने डिसाइड किया कि मैंने बेनिफिट्स की बात जो है वो पहले करनी है इन दो पॉइंट्स की मैंने बात पहले करनी है तो बताओ कि इफ वी लुक एट द बेनिफिट्स ऑफ इट तो फिर उसमें ये ये पॉइंट्स हैं उनकी ये ये एग्जाम्पल्स हैं उसके ऊपर एक्सपेंड करो फिर आओ हाउ एवर सर्टन पीपल ऑल्सो थिंक दैट इट देर आर सो मैनी डीमेरिट्स ऑफ दिस थिंग और फिर उसके डीमेरिट्स के ऊपर आओ और फिर पूरा समझ लो कि एक सेक्शन जो है उसके डिमेरिट्स के ऊपर आ रहा है तो तरतीब है एक रफ है उसके अंदर एक कनेक्शन है पता चल रहा है कि इंट्रो है फिर एक साइड है फिर दूसरी साइड है और उसके बाद फिर आपका पर्सनल जाती ओपिनियन आएगा अब जरूरी नहीं है कि ज़... अब मतलब ये हो गया उसके बाद पर्सनल ओपिनियन अच्छा अब पर्सनल ओपिनियन में क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं स्टूडेंट्स क्या ये जरूरी है कि जैसा हमने दरमियाना सा इंट्रोडक्शन दिया था हम कंक्लूजन भी वैसा ही करें या हम अपना पर्सनल ओपिनियन भी वैसा ही दें पर्सनल ओपिनियन इज पर्सनल थिंग और वो एक साइडेड इंक्लाइंड हो सकता है ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सनल ओपिनियन जो है वो सिर्फ ये कहता हो कि इसके फायदे ही हैं क्योंकि ये इनोवेशन को ड्राइव कर रहा है ये नॉलेज को ड्राइव कर रहा है तो इन माय ओपिनियन देर आर सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस ट्रैवल एज कम्पेयर टू इफ इफ वी वोट डू वे एंड वी स्पेंड दैट मनी इन सम योर एल्स तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है यू कैन बी वन साइड इन दैट ओपिनियन बट अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी उसकी बात कर दूंगा थोड़ी सी उसकी बात तो थो थो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा विच इज ऑल्सो फाइन उसका भी कोई मसला नहीं है बट इट कैन बी वन साइड जो कंक्लूजन है वो वन सगेंड डिप्लोमैटिका होगा तो so, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपना इंट्रोल कंक्लूजन बेशक डिप्लोमैटिका रखो लेकिन जब अपने पर्सनल जाति ओपिनियन की बात आती है तो देख लो कि इन जो जो मैंने दो पॉइंट्स और दो पॉइंट्स को मैंने वे किया है इनमें से मेरे हिसाब से ज्यादा वेटेज किसकी है वो वाली साइड ले लो और उसकी बात कर दो तो इस तरह एक तरतीब में आपकी प्रेजेंटेशन भी तैयार हो जाएगी आपके पास पॉइंट्स भी आ जाएंगे आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी ऐड कर दोगे और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा ठीक है कोशिश ये करो कि आप एडह इंग्लिश थोड़ी सी बोल सको उसको उसको आपको एट द मोमेंट आप थोड़ी सी स्पीकिंग कर सको और उसके लिए आप की प्रिपरेशन uh, कर सकते हो बिफोर यूर ट्रस्ट एटलीस्ट गिव योर सेल्फ व वीक और सो और उसके अंदर स्पीकिंग की प्रैक्टिस प्रे, करो ऑल्सो रीडिंग मेक्स यू वेरी स्ट्रांग इन गेटिंग ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स तो जो भी करंट एंड चल रहे हैं उसके बारे में पढ़ो फॉर इंस्टेंस अब वो लोग जिनको पता है स्पेस एक्स का और सारे करंट सिचुएशन को देख रहे हैं और इलॉन मस्क का पता है वो जब स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात आएगी वो वहाँ पर इलॉन की एग्जाम्पल दे सकते हैं वो स्पेस एक्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं एज कम्पेयर टू दो पीपल हु डोंट नो अबाउट हिम या हिज कंपनी तो ये इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपको करंट जो सर्कम हैं उनके बारे में कितना नॉलेज है तो अपनी जनरल नॉलेज भी थोड़ी सी ठीक रखनी होती है फिर आप इस तरह के जो भी राइटिंग टास्क हों या फिर स्पीकिंग टास्क हों उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो So this was all about uh, the speaking section of the presentation, part of the speaking of the Oxford ELT test. Uh, I hope this video was helpful for you. And uh, if you want to know more about any of the language tests, you can reach out to Edify Group of Companies and we will be more than happy to help you in preparing for that. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Alafis.